क्या तुम्हारी 18 साल के होने के बाद भी हाइट बढ़ सकती है या नहीं, ये जानने के लिए ये वीडियो देखो। हाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो मैंने पिछली हाइट की वीडियो बनाई थी उससे मुझे पता लगा लोगों को हाइट चाहिए उनकी पर्सनैलिटी के लिए, मॉडलिंग के लिए, सबसे ज़्यादा लोगों को तो चाहिए जॉब के लिए। अब उसके अंदर हो गया तुम्हारा आर्मी, बीएसएफ, पुलिस, एनडीए, एयरलाइंस और भी बहुत कुछ। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, फिर लोगों को हाइट चाहिए कॉन्फिडेंस के लिए भी, लड़की पटाने के लिए भी, लड़की से बात करने के लिए भी और खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी। ये सारे जो फैक्टर हैं हमारी हाइट बढ़ने की क्वेस्ट को फ्यूल करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि जब हम मोर मैच्योर होने लगते हैं, जब हमें हाइट की ज़्यादा टेंशन होने लगती है और मेजोरिटी 18, 19, 20 साल के होने पे उनको लगता है कि यार अभी हाइट थोड़ी और बढ़नी चाहिए और उनके मन में ये सवाल आता है कि मेरी हाइट 18 साल के होने के बाद बढ़ सकती है या नहीं। तो इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि हाइट मेजोरिटी ऑफ द परसेंटेज, तो ऑलमोस्ट 65% के करीब तुम्हारे जेनेटिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि तुम्हारी हेरिडिटी क्या है, तुम्हारे पेरेंट्स की हाइट कितनी थी, उनकी पेरेंट्स की हाइट कितनी थी, उनके पेरेंट्स की हाइट कितनी थी, ये। और बाकी जो बच गया तुम्हारा 35% तक एनवायरमेंटल फैक्टर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तुम्हारी हाइट बढ़ने या ना बढ़ने में। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है डाइट का, कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर तुम माल नरिश तो नहीं हो, तुम्हारी डाइट सही है, जो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स तुम्हारे शरीर को ग्रो होने के लिए चाहिए वो तुम तुम्हारे शरीर को दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। वो तो 35% बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है यार। अगर तुम 35% का हिसाब लगा के देखोगे ना, तो अगर किसी को 100 फुट बढ़ना होगा ना 35 फुट, तो वो सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से बढ़ जाएगा। तो सोच लो तुम्हारी हाइट में भी कितना फर्क पड़ सकता है। और बात रही 18 के बाद, तो ये जो कर्व तुम देख रहे हो ये है अभी बॉयज़ का, बॉयज़ की एज के अकॉर्डिंग। तो तुम देखोगे कि 18, 19, 20 के बाद प्लेटो सा आ जाता है हाइट, 95% लोगों की नहीं बढ़ती उसके बाद। ये 95% का ग्राफ है, ठीक है, इसमें साफ साफ दिखा रखा है कि 95% लोगों की 18 साल के होने के बाद अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी। और ये जो दूसरा चार्ट है ये है लड़कियों का, इसके अंदर तुम देख सकते हो उनकी हाइट तो 18 होने से पहले ही 95% की बढ़नी रुक जाती है, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं उनकी मैच्योरिटी जल्दी होती है, उनकी प्यूबर्टी जल्दी आती है इसलिए। तो अगर यू आर अ फीमेल एंड आर 18 और 18 ईयर्स ओल्डर, चांसेस आर यू आर नॉट गोना गेट टॉलर। और ये बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि हाइट नहीं बढ़ सकती 95% लोगों की 18 के बाद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि उनकी हाइट बढ़े, और हो सकता है तुम ही उनमें से एक हो जिसको अपनी हाइट बढ़ानी है। तो इस मामले में तो मैं सिर्फ यही कहूँगा भाई या बहन कि हाइट सब कुछ नहीं होती,